नमस्कार दोस्तों, मैं उबीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे राइजर बॉक्स के बारे में, राइजर लाइन, राइजर बॉक्स की। राइजर बॉक्स की वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ। आज राइजर कितने टाइप्स के होते हैं और राइजर क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फायर राइजर्स। राइजर क्या होता है? कोई राइजर मेन बोलता है, कोई राइजर लाइन बोलता है, कोई राइजर बोलता है, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। लेकिन एक याद रखो, राइजर, बस राइजर, चाहे उसको राइजर मेन बोलो, चाहे राइजर लाइन बोलो, जो मर्जी, बट राइजर याद रखो एक ही चीज है, बोलने का अलग तरीका है। तो सबसे पहले हम जानेंगे राइजर होता क्या है। तो आप पहले बता देता हूँ थ्योरी। राइजर एक सीधा खड़ा पाइप होता है जो फायर लाइन की मेन लाइन से कनेक्ट होता है और उसको हाई राइज बिल्डिंग में इंस्टॉल किया जाता है। एक हर फ्लोर पे एक शॉपट बना दी जाती है, उस शॉपट के माध्यम से बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक इसको ले जाया जाता है। हर फ्लोर पे हाइड्रेंट की एक लैंडिंग वॉल निकाली जाती है, जिसको हम हाइड्रेंट बोल देते हैं, लेकिन वो हाइड्रेंट नहीं, उसको राइजर ही बोलेंगे, पूरा लैंडिंग वॉल, ठीक है। तो उसमें एक होज रखा जाता है, होज रील होता है, लैंडिंग वॉल होता है और एक्सटिंग्विशर रखे जाते हैं। वो डिपेंड करता है, कोई एक्सटिंग्विशर बाहर रखता है, कोई अंदर रखता है, बट वो हर फ्लोर पे इंस्टॉल किया जाता है, उसको हम राइजर बोलते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, राइजर एक सीधा खड़ा पाइप होता है जो कि फायर वाटर नेटवर्क की मेन हेडर लाइन से कनेक्ट होकर किसी भी बिल्डिंग में इंस्टॉल किया जाता है और ग्राउंड फ्लोर से लेकर के टॉप फ्लोर तक एक सोपट के माध्यम से ले जाया जाता है। हर फ्लोर पे एक लैंडिंग वॉल और होज रील उसे कनेक्ट किया जाता है, जिसमें होज और ब्रांचेज रखे जाते हैं। कोई एक्सटिंग्विशर भी रख देता है तो कोई एक्सटिंग्विशर को बाहर रख देता है, वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा बिल्डिंगों में, हर बिल्डिंग में हर फ्लोर पे, जैसे ये बिल्डिंग है, हर फ्लोर पे जहां पे लिफ्ट लगी होती है वहां पे आप देखोगे यहाँ पे एक अलग से सॉफ्ट दी होती है, जिससे पाइप होता वो नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेकर के टॉप फ्लोर तक जाता है और हर फ्लोर पे होजरी लूज से कनेक्ट होती है, उसी पाइप से एक लैंडिंग वाल कनेक्ट होती है और होज पाइप रखे जाते हैं उसमें और एक ब्रांच रख दी जाती है, तो उसको राइजर बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राइजर लगाया क्यों जाता है, राइजर लगाने के क्या फायदे हैं। मानिए अगर हमने बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे सारे अपने हाइड्रेंट्स इंस्टॉल कर दिए और मान लिया हमारी बिल्डिंग 3, 4, 5 या 7, 8, 10 माले की जितनी भी है, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्मली तो 15 मीटर जिसकी हाइट होती है, 15 मीटर या इससे अबाउट जिसकी हाइट होती है उसको हाई राइज बिल्डिंग में कंसिडर किया जाता है, उसको हाई राइज बिल्डिंग में रखा जाता है, ठीक है। मान लिया वो किसी भी 5वें फ्लोर पे अगर आग लग गई और ये हमारा हाइड्रेंट पाइप लाइन वहां है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर से पाइप लाइन हमारे हो जोड़ जोड़ के ऊपर ले जाना पड़ेगा। एक तो हमें ज्यादा बंदों की जरूरत पड़ेगी और सीढ़ियों से बंदा उतरने चढ़ने में ही डैमेज होएगा, फायर फाइटिंग क्या करेगा, रेस्क्यू क्या करेगा, वो तो कर ही नहीं पाएगा। तो एक तो हमारा टाइम बचता, ऊपर से बहुत सारे ज्यादा जो होज हम लगाते हैं उसका भी हमें फायदा होता है, इतनी सारी होज लगानी नहीं पड़ती, ठीक है। दूसरा, एक हमें पानी जो हम होज लगाकर इतनी देर में हमें पता लगे 5वें फ्लोर तक जाने में, होज बिछाने में 1 घंटा लगे, आधा घंटा या 15 मिनट लगी, तो वो टाइम हमें समय की बचत होगी कुल मिला के, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमें जब ऊपर फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो हमें नीचे हाइड्रेंट वाले को बताना पड़ेगा, इतना खोलो, इतना बंद करो, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो वह हेडेक खत्म हो जाता है। फ्लोर पे ही हर चीज को कंट्रोल कर लिया जाता है, आपको नीचे से ऊपर तक 2 से 3 बंदे चाहिए होंगे, लेकिन आप ऊपर 2 बंदे हैं तो भी हैंडल कर सकते हैं।
हो सकता है एक बंदा अगर नॉर्मली फायर फाइटिंग करे, अगर बेसिकली हम बात करें तो उसको एक बंदा भी ऑपरेट कर सकता है एक्सपर्ट, और ओपन करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी की, हम थर्ड पर्सन की हेल्प ले सकते हैं, भले वो फायरमैन नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि छोटी ही फायर को ही हम होजरिल, क्योंकि वहाँ पे होजरिल भी इंस्टॉल होता है, छोटी ही फायर से हम वहाँ पे होजरिल चला करके छोटी ही फायर को बुझा सकते हैं, बड़ा होने से बच सकता है। दूसरा, जब बहुत ज़्यादा फैला दिया जाते हैं तो फ्रिक्शन लॉस होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस भी खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब हम फायर फाइटिंग करते हैं, अब जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने होज, मान लिया 10 होज लगे, तो 10 होज में जितना पानी आएगा, जब आग बुझानी है तो क्या करना पड़ेगा, ये 10-15 होज का पानी कहाँ जाएगा, जहाँ पे भी आप जहाँ पे होज खोलोगे सारे ऊपर से लेके नीचे तक सारी फ्लोर्स में पानी ही पानी हो जाएगा। आग एक फ्लोर पे लगे थे लेकिन सारे फ्लोर में पानी ही पानी हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं राइजर इंस्टॉल करने का। अब हम बात करते हैं इसका कनेक्शन कहाँ से होता है। मैंने बता दिया पहले फायर हाइड्रेंट से इसका कनेक्शन, सॉरी फायर पंप से इसका कनेक्शन होता है। अब दूसरा होता है इसका छत पे टेरेस जो होता है, टेरेस से भी इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, उससे यहां से यूं करके पानी जाएगा, ऊपर से यूं नहीं होता, यहां से यूं करके पानी जाता है। लेकिन आपने लोगों ने कई जगह देखा होगा सीधा ऊपर से ही कनेक्ट कर दिया, वो मात्र एक जुगाड़ लगाया जाता है, वो स्टैंडर्ड नहीं है। ये ऊपर से जो नीचे की तरफ लाइन जाती है इसको डाउन कमर बोलते हैं, डाउन कमर, डाउन कमर लाइन बोलते हैं। जो लोग बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं उनको पता भी होगा, अगर डाउन कमर के बारे में नहीं पता तो मैंने स्पेशल एक वीडियो बना रखी है, मैं लिंक भी इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं। दो प्रकार के होते हैं मेनली, वेट राइजर या वेट टाइप राइजर बोल सकते हैं, या वेट राइजर बोल सकते हैं, ड्राई टाइप, वो अलग अलग आपके बोलने का लहजा हो सकता है और वर्ड अलग होते हैं, लेकिन चीज़ एक ही है, आप वेट राइजर बोल सकते हैं उसको। और दूसरा होता है ड्राई राइजर, वेट बोले तो गीला, ड्राई बोले तो सूखा। अब बात करते हैं, ये मैंने तीसरा लिखा है यहाँ पे, अल्टरनेट ड्राई एंड वेट, ड्राई एंड वेट, इसे आप समझ सकते हो ये ड्राई और वेट दोनों ही पोजिशन में काम करेगा। अब वेट की बात करते हैं, वेट राइजर बोले तो इसमें हर समय पानी भरा होता है, ये हमारे फायर पंप से ऑलरेडी चार्ज रहता है, हमारे पंप हाउस का जो मोटर्स होती हैं उसे पानी इसके अंदर ऑलरेडी चार्ज होता है। आप किसी भी टाइम होज कनेक्ट करो, आग लगने के बाद तुरंत फायर फाइटिंग कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ड्राई राइजर के बारे में। ड्राई राइजर इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इसका प्रयोग वैसे तो हमारे प्रदेशों में भी होता है, मैं बताता हूँ कैसे होता है वो। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा विदेशों में किया जाता है, जहाँ पे ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडे देश होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, अगर हमने पानी को लाइन में छोड़ दिया तो ठंडे प्रदेश होने के कारण वो पानी जम जाता है, और आग लगने के दौरान हम उस पानी का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी जम गया, बर्फ़ जम गई, वो पानी बाहर नहीं आएगा। तो उस पोजिशन में ड्राई राइजर वहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है, उसमें पानी, वो जो लाइन होती है उसको चार्ज नहीं किया जाता, जब आग लगती है तभी पंप से उसको चार्ज किया जाता है। इसके टॉप में एक वॉल दिया जाता है, जब हम लाइन को चार्ज करते हैं तो इसके आगे आगे एयर दौड़ती है और एयर यहाँ से निकल जाती है और हमारी लाइन चार्ज हो जाती है, उसके तुरंत बाद हम फायर फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये होता है ड्राई। अब हमारे इंडिया में भी यूज होता है, बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि जैसे हमारा जम्मू कश्मीर होगा वहीं पे इसका प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी होता है लेकिन ऐसा नहीं कि खाली वहीं पे होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे मॉल्स और बिल्डिंग्स आपने देखे होंगे, वहाँ पे क्या करते हैं, राइजर लाइन तो बना देते हैं लेकिन उसके लिए फायर पंप या फायर टैंक वहाँ पे इंस्टॉल नहीं करते, वहाँ पे फायर पंप नहीं होते हैं, वहाँ पे फायर लाइन चार्ज होती ही नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, हर फ्लोर पे ये राइजर FHC फायर होज कैबिनेट जरूर बना दिए जाते हैं, इसकी लाइन जो बाहर होती है वहाँ पे एक बॉक्स बना दिया जाता है और वहाँ पे 3-4 कलेक्टिंग हेड दे दिए जाते हैं। जब यहाँ पे आग लगती है तो बाहर से
फायर की गाड़ी आती है और इसमें होज कनेक्ट कर करके लाइन को चार्ज कर देती हो और ऊपर जाकर के आप फायर फाइटिंग कर सकती हो। ये अपने नॉर्थ इंडिया, साउथ ईस्ट, वेस्ट, पूरे इंडिया में हर जगह यूज होता है। इसको भी हम ड्राई रेजर ही बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को जो डाउट था ना, ये मैंने आज क्लियर कर दिया है कि ड्राई रेजर वो खाली ठंडे प्रदेश या देशों में लगता है, ऐसा नहीं है। हमारे जहाँ पे साउथ मान लो आप, वहाँ पे तो गर्मी ज़्यादा रहती है, वहाँ पे आप राजस्थानी मान लो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, वहाँ पे भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अल्टरनेट ड्राई एंड वेट, ऐसे प्रदेश ये कहाँ पे यूज होता है, ऐसे प्रदेश जहाँ पे, जैसे हम बात करें हिमाचल का कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे सर्दियों में तो बर्फ गिरती है लेकिन गर्मियों में वहाँ पे गर्मी भी होती है, वहाँ पे गर्मियों में पानी जमता नहीं है, तो ऐसे जगह पे अल्टरनेट ड्राई एंड वेट का प्रयोग किया जाता है। गर्मियों में उसी लाइन को चार्ज कर दिया जाता है और सर्दियों में उसी लाइन को सूखा रखा जाता है, बस इतना ही फर्क अल्टरनेट ड्राई एंड वेट में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए थे कि सर जितने भी फायर के इक्विपमेंट हैं उनके आईएस कोड की एक वीडियो बनाइए, तो मैंने बहुत मेहनत करके वो आईएस कोड को सर्च कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम उसी की बनाने की कोशिश करेंगे, जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।